राम ने रावण को मारा, उस दिन को हम दशहरा कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे, लेकिन दशहरा के बारे में और भी अनोखे तथ्य जानते हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। दशहरा का मतलब होता है दशा हारा, और दशा का मतलब होता है सूर्य, मतलब सूर्य हारा। ऐसी मान्यता है अगर भगवान श्री राम रावण को ना मारते तो वह सूर्य को हमेशा के लिए अस्त कर देता, सूर्य को खत्म कर देता। दशहरा पहली बार 17वीं शताब्दी में मैसूर के राजा के राज्य में मनाया गया था। दशहरा भारत के अलावा बांग्लादेश नेपाल में भी मनाया जाता है, और मलेशिया में तो दशहरा के दिन राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। दशहरा के दिन राम तथा माता दुर्गा दोनों का ही महत्व है। राम ने रावण को हराने से पहले माता दुर्गा की पूजा की थी, और उन्होंने आशीर्वाद में श्री राम को रावण के हराने का रहस्य बताया था। दशहरा के दिन राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी दशहरा के दिन ही बौद्ध धर्म अपनाया था। आप जानते ही होंगे दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर राक्षस का वध किया था। महिषासुर राक्षसों का राजा था, और ये बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही क्रूर था, जो भोले भाले लोगों को, मासूम लोगों को मारता काटता रहता। इसीलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक शक्ति का निर्माण किया, जिसने महिषासुर राक्षस से 10 दिन तक युद्ध, भीषण युद्ध किया, जिसमें 10वें दिन शक्ति जीत गई। उस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। क्या आपको पता है नवरात्रि में 10वें दिन माँ को क्यों पानी में विसर्जन किया जाता है? इसके साथ मान्यता यह है कि नवरात्रि में माँ अपने मायके आती हैं, और 10वें दिन हम उन्हें पानी में विदा कर देते हैं। श्री राम ने रावण के 10 सिरों का वध किया था, इसका मतलब आप जानते हैं राम ने 10 बुराइयों का अंत किया था। पाप, काम, क्रोध, मोह, लोभ, घमंड, स्वार्थ, जलन, अहंकार, अमानवता और अन्याय को दूर किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। 999 का गिफ्ट जीतने के लिए हमें फॉलो तथा सब्सक्राइब करिएगा।